प्रॉब्लम है, तो धूप इतना ज़्यादा है और रास्ता इतना कठिन है, देख रहे हैं, और बीच में कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, उसमें धूल उड़ते रहता है। मेरा क्लास है 2 बजे। 2 बजे से क्लास है, निकलने भी है। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि दोबारा खाना खा के जो क्लासेस करने जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, और लाइब्रेरी भी जाना रहता है तो थकान काफ़ी हो जाती है। आपका डिपार्टमेंट किधर है? डिपार्टमेंट यूटीडी बिल्डिंग। यूटीडी बिल्डिंग, तो रोज 1 बजे खाना खाने आना पड़ता है? हाँ। गाड़ी वाड़ी रखे हो? गाड़ी तो नहीं है, रास्ता भी सही नहीं है इधर को, गाड़ी आती जाती रहती है कंस्ट्रक्शन वाली। 2 बजे से 4-5 बजे तक, 2 से 5 फिर से है। हाँ। तो रोज ऐसे 1 बजे यहाँ पे खाना खाने आते हो? हाँ, रोज आते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप लोग जान रहे हो गाइस कितना दूर है, वहाँ पे इन लोग 1 बजे टाइम खाने का टाइम होता है तो 1 बजे फिर खाना खाने आते, फिर गाड़ी वाड़ी रखे हो, वैसे पैदल आना पड़ता है। तो ठीक से अभी खाने का टाइम, खाने के लिए जा रहे हो हॉस्टल? अभी 1:15 बजा, 1 बजे छुट्टी होता है हमारा लॉन्च का, 1 से 2। 1 से 2 बजे तक होता है, तो 1 से 2 बजे तक रोज खाना खाने आते हो वैसे? हाँ भाई, बहुत दिक्कत होता है भाई, इधर देख लो होता है। जाएंगे तुरंत खाएंगे, तुरंत दौड़ के आएंगे। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं अभी आके पहुंच चुका हूं गाइस बॉयज हॉस्टल में। तो बॉयज हॉस्टल आने का रीजन आप लोग को बताऊं तो एक बहुत ही टेंशन है गाइस। जिन लोग भी हॉस्टल में रहता है उन लोग का क्या होता है कि डिपार्टमेंट से 1 बजे से 2 बजे गाइस हम लोग का ब्रेक होता है, 1 बजे से 2 बजे तक इन लोग हॉस्टल आते हैं, खाना खाते हैं, हॉस्टल से खाना खा के फिर से इन लोग क्लास जाते हैं, 2 बजे से फिर से क्लास होता है। तो दिक्कत क्या होता है गाइस, पैदल इतना दूर हॉस्टल का तो डिस्टेंस आप लोग को पता होगा इतना दूर है, फिर भी गाइस इन लोग पैदल आते हैं, 1 बजे फिर से जाते हैं। तो मेरा आज गाइस आप लोग को दिखाने का मतलब ये है कि इन लोग का कितना प्रॉब्लम होता है, आप लोग इस वीडियो के से देख लीजिए कि ये जो एक घंटे का जो रिसेस होता है, रिसेस में गाइस उन लोग खाना खाने नहीं पाते हैं। तो हॉस्टल वालों का प्रॉब्लम ये है कि गाइस 1 बजे से 2 बजे जो छुट्टी मिलता है उनमें से गाइस कई लोग खाना खाने आते हैं, तो कई लोग खाना खाने आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोग का क्लास जल्दी रहता है। तो ये जो 1 घंटा का ब्रेक है गाइस, 1 घंटा का ब्रेक को रहने दीजिए। लेकिन गाइस जो प्रॉब्लम इन लोग का हो रहा है, प्रॉब्लम जाने आने का जो हो रहा है, तो हॉस्टल से गाइस डिपार्टमेंट तक अभी ई रिक्शा चलाना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा वाले जो है गाइस, ई रिक्शा वाले सीधा ही मना कर देते हैं कि हम लोग को परमिशन नहीं है हॉस्टल तक जाने के लिए। तो आइए कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं और जान लेते हैं उन लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ गए हैं, कैंटीन में पहुँच गए। देखिए 200 टोटल यहाँ पे 200 कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पे बस 60 भी नहीं होंगे, 30-40 लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं। बाकी देखिए 200 लोग का यहाँ पे खाना बनता है, लेकिन 30-40 लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं। तो अभी मैं कुछ लोग को पूछूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। इन लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोग खाना खाने आ ही नहीं पाते। भाई कौन से डिपार्टमेंट से आप लोग? तो बायोटेक से। आप लोग का क्लास टाइमिंग 1 बजे के बाद है कि नहीं? 1 बजे के बाद फिर 1 घंटे का गैप है, ठीक है, उसमें खाने खाना पड़ता है आके, और फिर 2 बजे से फिर क्लास। तो 1 बजे से 2 बजे जो आते हो आप लोग को प्रॉब्लम होता है कि नहीं, खाना खा के फिर से जा पाते हो कि नहीं आप लोग डिपार्टमेंट? तो धूप इतना ज़्यादा है और रास्ता इतना कठिन है, देख रहे हैं, और बीच में कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, उसमें धूल उड़ते रहता है, और एक तो इतना गर्मी है, आके फिर जाना, मतलब 4 किलोमीटर आना फिर 4 किलोमीटर जाना, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बीच में गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, अगर ई रिक्शा भी चलेगा तो ठीक रहेगा क्या भाई? तो चलिए चलते हैं, और दूसरे बंदे जिन लोग हैं उन लोग से पूछते हैं कि उन लोग को आखिर प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। कौन से डिपार्टमेंट से हो? मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो आप 1 बजे से बाद आपका क्लास है कि नहीं? हाँ है। तो कैसे करते हो, 1 बजे गाड़ी वाड़ी रखे हो? नहीं पैदल जाना होता, पैदल जाना आना होता है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से 1 बजे रोज खाना खाने आते हो, फिर से डिपार्टमेंट जाते हो, तो कैसे दिक्कत होता है कि नहीं? हाँ लेट वेट हो जाता है, लेट होने का दिक्कत रहता है, तो वही है। हाँ ये रिक्शा वगैरह है कुछ तो सही है, ऐसा है तो बहुत सही रहेगा। फिर मिलता है दूसरे लोग से। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो? इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आप लोग भी 1 बजे रोज खाना खाने आते हो, फिर से डिपार्टमेंट जाते हो, गाड़ी वाड़ी रखे हो, पर्सनल बाइक है? नहीं। तो पैदल ही आते हो? पैदल ही आते हैं, पैदल ही जाते हैं। तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं? दिक्कत होता है, क्लास लेट होने का दिक्कत होता है थोड़ा। क्लास लेट हो जाता है, करना पड़ता है, वैसे क्या करें। तो ई रिक्शा चलेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं हॉस्टल तक? वो चलेगा तो और बढ़िया रहेगा। तो भाई लोग हैं, इन लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, तो आप लोग को रोज 1 बजे खाना खाने आते हो, फिर से 2 बजे से क्लास है कि नहीं? नहीं, 11 बजे तक ही चलता है, 11 बजे तक क्लास नहीं रहता? 11 बजे के बाद नहीं। तो आप लोग को जाने आने में कोई परेशानी नहीं होता? हाँ वही चीज़ तो। हाँ मेरा क्लास है 2 बजे। 2 बजे से क्लास है, निकलने भी है। अच्छा तो ई रिक्शा अगर चलेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं? तो और एक भाई है, वो भी कुछ बोलना चाहता है। भाई कौन से डिपार्टमेंट से हो? जी मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। तो मेरा यही कहना है कि दोबारा खाना खा के जो क्लासेस करने जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, और लाइब्रेरी भी जाना रहता है तो थकान काफ़ी हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर अथॉरिटी से कि ई रिक्शा जारी किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, आप लोग को ये सजेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वाओ तो कौन से डिपार्टमेंट से हो भाई तुम लोग? कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट। हाँ तुम लोग का डिपार्टमेंट किधर है?
डिपार्टमेंट यूटीडी बिल्डिंग। यूटीडी बिल्डिंग तो रोज 1 बजे खाना खाने आना पड़ता है। हाँ गाड़ी वाड़ी रखे हो? गाड़ी तो नहीं है, रास्ता भी सही नहीं है इधर को, गाड़ी आती जाती रहती है कंस्ट्रक्शन वाली, तो बहुत धूल डस्ट उड़ती रहती है। इंजन यहाँ पे है फॉरेस्ट के, तो 1 बजे रोज खाना खाने आते हो? तो 1 से 2 बजे तक। क्लास कितने बजे तक है? कितने बजे से है 1 बजे के बाद? 2 बजे से 4-5 बजे तक। 2 से 5 फिर से है, तो रोज ऐसे 1 बजे यहाँ पे खाना खाने आते हो? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप लोग जान रहे हो गाइस कितना दूर है वहाँ पे, इन लोग 1 बजे टाइम खाने का टाइम होता है तो 1 बजे फिर खाना खाने आते, फिर गाड़ी गाड़ी रखे हो वैसे पैदल आना पड़ता है, तो देखिए ऐसे पैदल दिक्कत होता है कि नहीं भाई? होता तो है। तो जाते टाइम तो क्लास भी शुरू हो जाता होगा? 10-15 मिनट लेट हो जाता है। 10-15 मिनट लेट हो जाता है, तो देखिए इन लोग का 10-15 मिनट रोज का लेट हो रहा है, फिर पैदल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पहले बताओ कौन से डिपार्टमेंट से हो? फिजिक्स से। तो अभी खाने का टाइम, खाने के लिए जा रहे हो हॉस्टल? अभी 1:15 बजा है, 1 बजे छुट्टी होता है हमारा लॉन्च का, 1 से 2। 1 से 2 बजे तक होता है, तो 1 से 2 बजे तक रोज खाना खाने आते हो ऐसे? हाँ भाई बहुत दिक्कत होता है भाई, इधर देख लो ऊपर से धूल, धूल का प्रॉब्लम, दूरता का प्रॉब्लम। तो कैसे फिर खाना खाने जाते हो, फिर डिपार्टमेंट जाते हो, लेट होता है कि नहीं? क्लास है हमारा, तुरंत दौड़ के आना पड़ता है, लेट तो होता है। अभी जाएंगे तुरंत खाएंगे, तुरंत दौड़ के आएंगे। अच्छा क्लास करने के लिए 2 बजे का क्लास, क्योंकि वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ई रिक्शा के प्रबंध कर ले, बच्चों को दिक्कत हो रही है।